क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है ये जो फ्रैक्शंस हैं इनको परसेंटेज में कीजिए, ठीक है। जैसे भी हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था उसी तरह इसको भी फ्रैक्शन को हमने परसेंटेज में करना है, तो मल्टीप्लाई 100% करना होता है। तो आगे कैलकुलेटर यूज़ कर लें, 3 × 100 और 3 × 100 तकसीम, नीचे 4 है तो 4 से तकसीम कर दें, तो ये आ गया 75। तो 75%, ठीक है जी। ऐसे इसको भी परसेंट में करना है, तो मल्टीप्लाई 100%, 2 0 2 0 से कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर आ जाएगा 3 और नीचे आ जाएगा 7%। ये जो फ्रैक्शन है इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। इसको पहले सिंपल कर लो, 4 2 8, इससे ज़रब किया जाता है और ये जमा, 2 8 और 1 9/4। परसेंट में करना है तो मल्टीप्लाई 100%, 9 × 4 से इसको डिवाइड करें, 4 2 8 4 5 20, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 25 × 9, तो ये आ जाएगा 225%। ऐसे ये वाला पार्ट है, परसेंट में करना है इसको तो मल्टीप्लाई 100%, 2 5 10, 50%। ऐसे 1/8% में करना है तो मल्टीप्लाई 100%, तो ये आ जाएगा 100/8%। कटिंग कर ले करनी है तो 2 5 10, 0 का 0, 2 4 8, 2 2 4, 2 5 10, 2 2 4, बस यहाँ तक कहता है, तो ये हो जाएगा 25/2%। लिए जी ये था जी क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है।